यहाँ पे हम पहनाएंगे अपनी भाभी जी को पायल, और हमारी भाभी जी तो बहुत शर्मारी भाई, क्या बताएं अब। और यहाँ पे हमको सब छोड़ने के लिए आ रहे। अभी हम कुंड के पास में पहुँचने ही वाले थे कि तभी यहाँ पे बहुत ही भयंकर जाम लग चुका है। अभी देखिए सनराइज भी नहीं हुआ और यहाँ पे माँ पापा की तैयारी हो गई है परवाड़ी जाने की, क्योंकि आज हमारे घर में ना बहुत शुभ काम है। और यहाँ पे भाई पे देखिए आज जल्दी उठ गया है और सीधे सफाई करने लग गया है। भाई क्या बात है आज ऐसी? आज है कुछ स्पेशल। अच्छा, और अभी चलते हैं किचन में, देखते हैं माँ ने क्या क्या बनाया है। माँ तो चली गई है लेकिन सब चीज बना के गई है परवाड़ी की ओर। यहाँ पे देखिए पकौड़ी बना दी है, इस पे बना रखी है पूरियाँ, और इस पे बना रखे हैं छोले। तो सारा चीज बना दिया माँ ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के करीब 8:30 हो गए हैं और मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मेरी तैयारी हो गई है कहीं दूर मेहमान बन के जाने की। अब आपको यहाँ पे भाई बताएगा कि कहाँ की है आज मेरी तैयारी। आज कुछ स्पेशल सा दिन है। तो भाई बता देना, आप ज्यादा सस्पेंस मत बना। कुछ दिन पहले प्रीति और मैं गए थे गुप्तकाशी एक स्पेशल से काम के लिए। तो उस वीडियो में बहुत लोगों ने सही गैस किया था, हम गए थे लड़की देखने के लिए। मतलब घर वालों ने बात करी थी, फिर हम दोनों गए थे देखने के लिए। फिर उसके बाद में पप्पा जी के साथ भी गया था। तो आज ये लोग जा रहे हैं रिश्ते की बात पक्की करने के लिए। हमारे यहाँ एक बागदान होता है सगाई वगैरह जो भी होती है, और एक होता है पिठें। तो हम पिठें ही करेंगे, मतलब कि टीका वगैरह लगाएंगे, शगुन देंगे जो भी है, और रिश्ते की बात पक्की करेंगे। तो आज है मेरे भाई का टीका। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान केदारनाथ बाबा की कृपा ऐसे ही बनी रही आप पे। बिल्कुल, आप सभी का भी प्यार और सपोर्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पता है कि इस वीडियो पे आपकी बहुत सारी बधाइयां आ रही हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं चलती हूँ भाई मेहमान बन के गुप्तकाशी की ओर। और यहाँ पे जो टीका होता है उसमें लड़का नहीं आता है, तू यहीं रह ठीक है, तेरे को शादी में ले जाएंगे हम। तो चलिए जी अब चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी भाई पे टीका वगैरह भी लगाना है। आज तो खुश बहुत होंगे आप। कौन नहीं होता, तभी सुबह जल्दी उठ गए थे। 6:30 बजे। हाँ तो चलिए जी यहाँ पे सब पे टीका भी लग चुका है और शगुन का लिफाफा भी मिल गया है। और यहाँ पे आज गुप्तकाशी जा रहे हैं हम 5 लोग, हमारे दादाजी, हमारे ताऊ जी, हमारे चाचा जी, मैं और पापा जी। चलिए जी अभी टाइम भी 9 बज चुके हैं और हम यहाँ से रास्ता लग गए हैं, और 9 बजे यहाँ से रास्ता लगे हैं तो मतलब 10-10:30 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे गुप्तकाशी, अगर रास्ते में जाम नहीं मिलेगा तो। अभी हम पहुंच चुके हैं कुंड के पुल में और यहां से हमको जाना है केदारनाथ वाले रूट पे, और अब यहां से हमको गाड़ियों की भीड़ भी दिखाई देगी काफी ज्यादा। तो चलिए जी पहुंच चुके हैं गुप्तकाशी मार्केट में, और यहां तो काफी चहल पहल दिखाई दे रही है। और गुप्तकाशी मार्केट में हमको मिले हमारे आशीष भैया, कैसे हो आप? तो थोड़ी देर में हम भी आ रहे हैं आपके यहाँ, ठीक है? तो चलिए जी टाइम भी करीब 11 बज चुके हैं और 11 बजे हम यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पे अंकल जी गाड़ी साइड में लगा देंगे। बिग फैन, थैंक यू सो मच। वीडियो देखते हो? अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी वाला अपनी वीडियो देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? तो
तो यहाँ पे दही का जो बर्तन था उस पर भी टीका लगा दिया है क्योंकि वो भी एक मेहमान माना जाता है और शुभ होता है। चलिए जी, यहाँ पे सारे मेहमान बैठ चुके हैं और यहाँ पे ये हैं हमारी भाभी जी और यहाँ पे ये सब है शगुन का सामान। यहाँ पे भाभी जी की दोस्त भी आई हैं, ये हैं बुआ जी, ये हैं दादाजी, ये हैं भाभी जी के पापा जी और यहाँ पे ये हैं दादाजी, यहाँ पे ये हैं बुआ जी और ये तो हमारे दादाजी, ताऊदी, चाचा जी। तो यहाँ पे हम पहनाएंगे अपनी भाभी जी को पायल। फोटो करो वहाँ जरा। चलो बस ताली बजाओ। सब कार्य संपन्न हो चुका है, अब यहाँ पे भाभी जी का मुंह मीठा करते हैं। तो चलिए जी, ये है भाभी जी का शगुन। तो यहाँ पे फोटो खींचने के लिए इतने ज्यादा कैमरा ऑन हो गए ना, समझ ही नहीं आ रहा किस पे देखें। तो चलिए जी, अंदर पे जो भी रस्में थी सारी हो चुकी हैं और अभी हम जा रहे हैं ऊपर छत में। और छत से देखिए भाई, चारों ओर के नज़ारे काफी गजब के दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी धुंध लगी हुई है और यहाँ से देखिए सामने उखीमठ मार्केट भी दिखाई दे रहा है, ये है चुन्नी मंगोली, और सामने अपना परवाड़ी वाला घर भी दिखाई दे रहा है उस वाली पहाड़ी पे। और अभी देखिए चौखंबा पर्वत के आगे से पूरे बादल आए हुए हैं और हमारी भाभी जी तो बहुत शर्मा रही भाई, क्या बताएं अब। तो यहाँ पे देखिए भाई, पोज दिए जा रहे हैं फोटोज खींचने के लिए और वीडियोस बनाने के लिए। और यहाँ पे ये हैं भाभी जी की बहन। आप नहीं शर्माते हो ना? अच्छा, नाम क्या है आपका? सोनिका। सोनिका, ठीक है। ये देखिए भाई, रील बनाने के लिए भी कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा। तो चलिए जी, यहाँ छत में ना अभी काफी तेज धूप भी हो रही है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो अभी हम चलते हैं नीचे। शायद लंच वगैरह बन गया होगा तो लंच करते हैं, फिर उसके बाद घर को जाना है। और यहाँ पे देखिए भाई, सीढ़ियों के बगल में एक ये नारंगी का पेड़ भी है जिसपे की काफी सारी नारंगी लगी हुई है। यहाँ पे गर्मा गर्म लंच भी आ चुका है, तो अब टेस्टी से लंच का आनंद लेते हैं। चलिए जी, टाइम भी करीब 3:30 हो गया है और यहाँ पे लंच वगैरह करने के बाद और चाय पीने के बाद अभी हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की। और यहाँ पे हमको सब छोड़ने के लिए आ रहे, सब भेजने के लिए आ रहे। बाय बाय, बाय बाय। अभी हम कुंड के पास में पहुँचने ही वाले थे कि तभी यहाँ पे बहुत ही भयंकर जाम लग चुका है। अब पता नहीं कब तक खुलेगा ये जाम, और साथ में देखिए बारिश भी लगने लग गई है। पहुंच चुके हैं घर में और यहाँ पे मिली मम्मी जी, ये लीजिए सामान। और अभी देखिए सामने चौखंबा पर्वत पे हल्की धूप दिखाई दे रही है। आज पूरे दिन भर मौसम ऐसा ही रहा, धुंध वाला। तो भाई कैसा लग रहा था आज? बढ़िया लग रहा है, पर मेरे को पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। तू भी आता तो तब पता चलता तेरे को। तभी तो। मम्मी को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मुझे तो सब नॉर्मल लग रहा है। ऐसा ही होता है। तो अभी घर पे पहुंच गए हैं, तो चाय पानी पी लेते हैं और अपनी थकान मिटाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को भी धन्यवाद जिनकी भी बधाई आ रही है कमेंट सेक्शन में।